नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हमारा चैप्टर है क्वाड्रेचर। हम पढ़ रहे थे यानी क्षेत्रकलन पढ़ रहे थे। दो वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे थे। उसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में मैंने आपको परिचय करवाया था और उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें एक वक्र था और एक रेखा थी। एग्जाम्पल नंबर 10th था हमारा। आगे मैं बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल 11 कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर तथा वक्र वाई इज इक्वल मॉड्यूलस एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात तो कीजिए। तो देखिए सवाल ऐसा है, एग्जाम्पल है हमारा और एग्जाम्पल 11 है। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल मॉड्यूलस एक्स, ये रेखा है। इन दोनों से घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे तो ये स्टूडेंट एक वृत्त है और ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब मैं इसका यहां पर चित्र बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा वृत्त है। ओके, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या a के बराबर, इसलिए ये बिंदु हो गया 1.0, 0.1। यहां पर ये पॉइंट तो हो गया -1.0 और ये हो गया 0.-3, परंतु दूरी है, त्रिज्या है, वो धनात्मक ही रहेगी, इसलिए ये रेडियस इसकी है वो a के बराबर है। इसकी बात करें तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, यहां मॉड्यूलस एक्स है। अब यदि मैं यहां पर कुछ वैल्यूज एक्स की रखता हूं, एक्स इक्वल -1 रखा, -2 रखा, -3 ऐसे रखा, तो वाई का वैल्यू मॉड्यूलस के कारण प्लस का आएगा 1, 2, 3। समझ में आ गया, पॉइंट बन गया -1, -1, -2, -2, -3, सॉरी -1, +1, -2, +2, -3 और +3, ये बन गए हमारे पास इवेंट। यदि मैं इनकी जगह प्लस के वैल्यूज रखता तो भी आंसर ये आने थे, यानी दूसरे बिंदु ये भी बन गए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 ऐसे आता है। तो ये जो रेखा है वो दोनों अक्षों के साथ 45-45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रथम चतुर्थांश में से गुजरती है। ये आपको मैं कल भी बता चुका था। अब आगे बात करें तो ये देखना है कि जब x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, बट बोथ आर सेम इन वैल्यू, नॉट इन साइन, इन वैल्यू दोनों सेम है, -1, -1, -2, 2, तो यहाँ पर वेटेज में बोथ आर इक्वल है, बट जो साइन इनका वो डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लाइन जाएगी, जो रेखा जाएगी, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में से होकर दोनों अक्षों के साथ 45-45 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेगी। तो इसका दूसरा जो आएगा वो इस तरह से आएगा। अब हमें पूछा गया है कि इस वृत्त और इस वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो ये वाला भाग जी हमें, ये वाला कौन से, ये ऊपर भाग दिख रहा है, डॉट डॉट इसको मैंने बनाया है, ये वाला भाग जी। यस, अब स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन काम करेगा अपना, और ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत शानदार रहना चाहिए। क्या ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है हमारा, कि कौन सा भाग किस आकृति के द्वारा घिरा है, वृत्त के द्वारा तो कौन सा भाग घिरा हुआ है और रेखा के द्वारा कौन सा भाग घिरा हुआ है, इन दोनों का हमें जजमेंट करना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करूं तो यहां पर एक मैं इन दोनों को ज्वाइन करते लाइन खींचता हूं, आपको दिख रही होगी, इस लाइन के ऊपर का पार्ट है वो ओनली वृत्त के द्वारा घिरा है, समझ गए। और ये जो भाग जो आएगा, ये वाला भाग, वो भाग हम निकालेंगे किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। आ यहां इसके भी दो तरीके हो जाते हैं। क्या सर, हम तो ऐसे नहीं सोचा मैंने, तो हर बंदा अपनी तरह से सोचता है। मैं यहां से यहां पर लंब डालता हूं, यहां से यहां लंब डालता हूं, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करूंगा,
कि वृत्त और इस समीकरण रेखा के समीकरण को हल करूंगा, दोनों बिंदु आ जाएंगे। ये जो बिंदु आएगा उससे मेरे को ये बिंदु यानी इस एक्स अक्ष पर ये जो कोटि है वो मुझे पता हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 0 से लेकर यहां तक की लिमिट पहले वृत्त में रखूंगा, तो ये पूरा भाग आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक लिमिट रेखा में रखूंगा, नीचे वाला भाग आ जाएगा, और इस वृत्त वाले में से रेखा वाला घटा दूंगा तो ये भाग बचेगा, और पूरे भाग को 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों भाग मुझे ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भाग सममित हैं, समान है, बराबर है। तो हम यहां देख रहे थे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। मैंने कहा दोनों भाग सममित हैं, सिमेट्रिक हैं, इसलिए एक भाग का ज्ञात करके हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये तो मैंने वैल्यू रख के बताया, इसको लिखना फेयर पार्ट में लिखना जरूरी नहीं है। और अब हम ये कहेंगे कि बाकी लाइन आ जाएगी, याद होगी वो लाइन आपको, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर। और छायांकित भाग कौन सा है उसके बारे में आप बता सकते हो। इसको ए नाम देता हूं, ये बी है, ये सी है, तो ओ ए बी सी और ओ ये पूरा भाग हो जाएगा, ओ ए बी सी और ओ ये पूरा भाग हो जाएगा। समझ में आ गई? इस पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इसका ट्वाइस करेंगे तो आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा? इंटीग्रल पहले इन दोनों हल करूंगा मैं, सॉरी उसके लिए पहले, और ये लाइन भी मैं बाद में लिखूं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा कि, और वरना कोई बात नहीं, पढ़ा देना। आगे से लिखोगे कि दोनों समीकरणों को हल करने पर ठीक है, हल करें तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, और मैं वाई बराबर एक्स रखने पर, तो यहां रखेंगे तो हो गया हमारे पास में 2x² इज इक्वल ए स्क्वायर हो गया, और एक्स का वैल्यू आया ए बाई √2। हम यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएंगे यहां पर, तब y की जो वैल्यू आएंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो आएंगे हमारे पास में मॉड्यूलस प्लस माइनस a बाय √2, दैट मीन्स a बाय √2। ओके, इससे ही दोनों पॉइंट बन जाएंगे a बाय √2 कोमा इट इज ऑल्सो ए बाय √2, और ये पॉइंट बनेगा माइनस ए बाय √2 और ये ए बाय √2। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके निर्देशांक बनेगी ए बाय √2 कोमा 0, और ये माइनस का ए बाय √2 कोमा 0। ठीक है सर, अब ये जो बिंदु है इसको मैं एम नाम देता हूं या डी दे दिया मान लो, इस बिंदु को मैंने डी नाम दिया है। इतना काम होने के बाद अब आगे वापस से लाइन एक बार लिखनी तो पड़ेगी कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल एरिया ऑफ, ध्यान देना, ओ डी ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ
ओ डी ए ओ। अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट 0 से ए बाई रूट टू, यस, और ये किसमें रखे जाएगी, 0 से ए बाई रूट टू लिमिट, और मैं पहले वृत्त में रखूंगा तो मेरे को ये इतना पूरा जो मेरी अंगुली चल रही दिख रहा होगा, ये इतना पूरा भाग ज्ञात हो जाएगा। यहां लिखूंगा y, और किसके किसके लिए, वृत्त के लिए y लेंगे हम, और dx और माइनस वही लिमिट रहेगी, a बाई रूट टू लिमिट रहेगी इसकी, बट यहां पर y जो आएगा वो रेखा के लिए आएगा, ठीक है, और इंटू dx। यहां थोड़ा ध्यान दें, इसके पहले ट्वाइस आएगा, इसको क्लोज करो, इसके पहले भी ट्वाइस आएगा, ये बिग ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दी। इतनी बात समझ में आ गई आपके, और आपको यहां से y के वैल्यूज निकालना आते होंगे, नहीं आता तो इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। y का वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यहां से y का वैल्यू डायरेक्ट आप प्लस का एक्स रख देंगे, क्योंकि हम प्लस वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, यदि प्लस माइनस दोनों को सोल्व करते तो इस मॉड्यूलस होने के कारण माइनस वाले पार्ट के पहले हम खुद माइनस लगा देते, और एक्स खुद माइनस का बन रहा तो वापस पॉजिटिव आता, क्योंकि एरिया है, इसलिए यहाँ पर मॉड्यूलस रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वो यहाँ पर मेन थीम क्या, ऑब्जर्वेशन ही काम करेगा कि कौन से पार्ट का निकाला और उस पार्ट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट में दो हमारे पास परवल है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश बनने वाला परवल है, एक वाई एक्स के अनुदिश बनने वाला परवल है। वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 by, हमारे पास में दो परवल हैं, उन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, मैं उसका भी आपको जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है उसका भी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सवाल देखते ही, वक्र देखते ही, परवलय जो भी देखते हो आप, उसको देखते ही ये दिमाग में स्क्रिप्ट बननी चाहिए, उसकी इमेज बन जानी चाहिए कि इस प्रकार का इसका डायग्राम होगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सवाल को सोल्व करने में। तो मैंने आपको बताया, एक तो था हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 ax था, एंड दूसरा था एक्स स्क्वायर इक्वल 4 by। ओके, दो परवलय थे और दोनों को हमें हल करना है, दोनों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, वाई स्क्वायर वाला परवलय हमेशा दाहिनी ओर खुलता है, यह आपको अच्छे तरह से पता है, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। एक्स स्क्वायर वाला परवलय हमेशा ऊपर की ओर खुलता है, पॉजिटिव है तो कौन कौन है पॉजिटिव, यहाँ पर यदि बी का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर खुलेगा, और बी का वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की ओर खुलेगा। ये दोनों एक्सिस को मैं डिनोट करता हूँ, ये एक्स एंड एक्स ओ एक्स डेस है, और ये वाई ओ वाई डेस है, यस। और ये वाला परवलय है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 by है, और ये वाला जो परवलय है नीचे वाला, इसकी बात करो, यहाँ एरो लगाकर बताता हूँ आपको मैं, तो ये वाला परवल है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 ay है, सॉरी ax है। अब ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो ये बिंदु होगा, यहां से डायरेक्ट मैं यहाँ लंब डालता हूँ, इसको नाम मैं ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ, इसको सी, यहाँ पर एक सी बिंदु दूंगा, यहाँ पर एक बी बिंदु दूंगा, हमें सिर्फ ये भाग चाहिए। इसको ज्ञात करने के दो हमारे पास तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सूटेबल, दो तरीके हैं, हमसे दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए, हम डायरेक्ट फर्स्ट और इजी जो मेथड है वो बताऊंगा आपको पहले मैं, और उसकी बात बाद में करेंगे। जो हम ओ से लेकर ए तक का लिमिट पहले इस परवलय में रखते हैं, दिख रहा है आपको इस वाले में, इस परवलय में 0 से a तक लिमिट रखते हैं, तो ये पूरा भाग आपको पता हो जाएगा। फिर आप यही लिमिट ऊपर वाले परवलय में रखते हैं तो खाली वाला ब्लैंक वाला भाग आ जाएगा, इस पूरे एरिया में से ब्लैंक वाला पार्ट माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एक तो ये बेस्ट और सबसे इजी तरीका है, इजी मेथड है। दूसरा आप क्या करें, इसके बीचों बीच ऐसे सुनना, एक बार मैं लाइन बना रहा हूँ, उसको यूज नहीं लूंगा मैं, इसके बीचों बीच आप लाइन ड्रॉ करें,
बीचों बीच लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप जीरो से यहां तक की लिमिट ऊपर वाले पैराबोला में रखें, समझ रहे हो? ये वाला देखना, ये वाला पार्ट आएगा आपके पास में। और एक जब आप ऊपर इधर से आकर ये लिमिट रखें तो ये वाला पार्ट आएगा। अब इसमें क्या है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में, उसको अंडरस्टूड करने में, उसको एक्सप्लेन करने में या रिटर्न में काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो जो मैंने आपको इजी और शॉर्ट मेथड बताया उसको आप यूज करें, बहुत जल्दी होगा, बहुत इजी होगा। और सिंपल में बता दूं, लाइन आपको याद रखनी है फर्स्ट तो, कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर ये आपको लाइन लिखनी है 100%। फिर आपने चाहेंगे तो भाग को क्या नाम दिया है, ओ डी बी सी ओ का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। वो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, इतना काम हो गया, ये लिखना आपको। उसके बाद आपको वही परवलय की बात करेंगे तो लिमिट, सॉरी, पहले दोनों को हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ रख दें चाहे वाई का वैल्यू यहाँ रख दें, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू रख सकते हैं। मैं वाई का वैल्यू यहाँ रखूंगा, वाई का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर बी। तो वाई का वैल्यू वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई फोर बी है, और ये मैं इसमें पुट करता हूँ तो वाई का वैल्यू आएगा एक्स फोर बाई सिक्सटीन बी स्क्वायर इज इक्वल और फोर ए एक्स। ओके, यहाँ पर हो गया एक्स सॉरी फोर इज इक्वल सिक्सटीन, फोर या सिक्सटी फोर ए बी स्क्वायर और एक्स हो गया, एक्स की एक पावर कैंसिल होती है तो एक्स क्यूब इज इक्वल सिक्सटी फोर ए बी क्यूब, ए बी स्क्वायर हो गया सॉरी। और फिर हम देखेंगे इसको कि एक्स का वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पर आ गया फोर और ए बी का रूट ए बी स्क्वायर की होल पावर 1/3, इस तरह रहेगा। और उसके बाद हम जब इसे सोल्व करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू आ गया, बहुत अच्छी बात है, हमें एक्स के वैल्यू से हमारा सारा काम हो सकता है। तो एक्स है वो इसका भुज है, तो भुज यहाँ आएगा, वो आया फोर, और इसको लिखूँ मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सिंपल इसका ये होता है, आपको थोड़ा सा बढ़ा कर बता रहा हूँ, यहाँ थ्री लिख देना इसके अंदर और यहाँ ए बी स्क्वायर लिख देना, कोमा सी हो जाएगा। ओके ओके, और इसको यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो बड़ा कर लिख दूँ मैं इसको, ऐसा लिख देते हैं हम कि फोर तो इंटू में रह जाएगा, ये लो आराम से जगह पड़ी, और इसका जो रूट का ये भाग है ना, यहाँ थ्री 1/3 तो थ्री लिख दो, 1/4 है तो फोर लिख दो और ए बी स्क्वायर हो गया और कोमा सी, यस आराम से दिख रहा होगा आप। तो जीरो से यहाँ तक कि हम लिमिट इसमें पुट करेंगे और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास में जीरो से फोर इंटू, और ये और वापस ये, यहाँ थ्री है, ए बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर वाई आएगा, वाई किसके लिए आएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर ए एक्स के लिए आएगा इंटू डी एक्स आएगा माइनस इंटीग्रल, और चाहो तो लिमिट एक साथ रहना जो, उसको ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ। ओके, और माइनस यहाँ पर वाई आएगा, वो किसके लिए आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल फोर बी वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है आपको बताऊंगा मैं, कि हम एक्स के अनुदिश ही लिमिट रख रहे हैं, एक्स के अनुदिश लिमिट रख रहे हैं, तो हम दोनों के इंटू में डी एक्स लिखेंगे और वाई इंटू डी एक्स आएगा, यानी वाई का वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू रखते तो एक्स के पदों में आता है, एक्स के पदों में यदि फलन बनता है तो उसका एक्स के सापेक्ष ही समाकलन होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर जो 12th था वो हो जाएगा आराम से। और इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी मैं बोर्ड पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और मैं ये ज़्यादातर सवाल आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर डायग्राम सबसे बड़ा है, वो इश्यू रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि डायग्राम कैसा बनेगा और कौन से एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इश्यू सबसे बड़ा रहता है। तो हमारा 13th जो एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक तो दीर्घ वृत्त है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इज इक्वल 1 है, और इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास में एक रेखा है, वो रेखा है हमारे पास में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1। तो ये रेखा भी वो सिंपल वाली रेखा है, ये रेखा भी उसी तरह से पास होगी। जरा देखिए इसका पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ,
इस रेखा के लिए हम वो बिंदु पता करें जहां से वो गुजरने वाली है, और इसके भी हम बात करें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे ये परवलय है, सॉरी दीर्घवृत्त है, वो भी अपने आप में परवलय होता है, एक कर्व होता है, वक्र होता है अपने आप में, इसको हम एक्स ओ एक्स डेस कहें, इसको वाई ओ वाई डेस कहें। अब तो ये वाला जो शीर्ष है वो होता है स्टूडेंट्स ए कोमा जीरो, ये वाला शीर्ष है वो होता है 0, b। समझ गए आप इस बात को? अब जब हम इसको हल करते हैं तो एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू b आएगा, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू b आएगा, यानी ये रेखा भी इसी बिंदु से जाएगी, और y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू a आएगा, यानी ये रेखा इस बिंदु से होकर भी जाएगी, यानी जो वो रेखा है वो इस तरह से जाएगी। सॉरी थोड़ा सा इसमें सीधा नहीं हुआ, रेखा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, ये रेखा है, यहां लिख देता हूँ आराम से, ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1 का इक्वेशन, ठीक है, और ये हमारा परवल है। हमें इन दोनों के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल चाहिए, बहुत इजी सा पार्ट है। 0 से a लिमिट रख देना चाहे 0 से b लिमिट रख देना, 0 से b लिमिट रखो तो x इंटू dy आएगा, और 0 से a लिमिट रखोगे तो y इंटू dx आएगा। ओके, और फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट आप ये दीर्घवृत्त में 0 से a लिमिट रखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा आ जाएगा, फिर रेखा में 0 से a रखोगे तो ये ब्लैंक वाला पार्ट आएगा, इस पूरे क्वाड्रेंट में से ब्लैंक वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो छायांकित भाग का या अपेक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके आगे बढ़ता हूँ, आगे वाला एग्जाम्पल भी बहुत शानदार है। एक्स स्क्वायर इजिकल 4y है और रेखा है एक्स इजिकल 4y-2। देखना, इसको इरेज करता हूं मैं एक बार, एग्जाम्पल 14 हमारा। वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y एंड फोर वाई माइनस टू। आप देखो पहले इसकी बात करते हैं हम, और इसकी बात हमारे लिए आएगी एक्स स्क्वायर, असली अप साइड में जाएगा ये ऐसे। ओके, एंड इस रेखा की हम बात करें तो वो कैसे जाएगी जरा देखना, इसका तो हो गया हमारे पास में, और इनको हम डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा सवाल था जिसमें रेखा थी, परवलय हमने बना लिया, रेखा जब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगी, इसका जो जो पॉइंट यानी कहाँ से पास होगी, कैसे जाएगी वो अपन देखें। तो एक्स का वैल्यू 0, इसको आप फिर में हल कर सकते हैं, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को भी हल कर सकते हो, पर इन दोनों को हल करने की बजाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि ये किस कहाँ से जाएगी वो दोनों बिंदु भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और इनको लिखें कि दोनों समीकरणों हल करने पर, तो ये भी ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम, दोनों समीकरणों को हल करने पर तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आएगा, इसमें मैं एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो 4y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल 4y, इसका हल होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16y²-16y प्लस के 4, और 4y हो गया, ये इधर आएगा तो ये 16y², और ये भी आएगा तो माइनस का होगा -20y और +4=0, यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, 4y² - 5y प्लस का 1=0, 4 × 4 कैसे टुकड़े, जिन्हें जोड़ने पर 5 आए तो वो होते हैं हमारे पास में एक तो 4 और +1 × y +1=0। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स कि 4y² - 4y - 1y +1=0,
और यहाँ से 4y जब हम कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस वन बचता है, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेते हैं तो y माइनस वन बचता है इक्वल टू जीरो। एक बार तो जो ब्रेसिस कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे, एक बार बाहर जो बच गया उसको हम ले लेंगे 4y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो हमारे पास y का आंसर 1 हो गया और या फिर हमारे पास y का आंसर 1/4 हो गया। देखिए दोनों को इतनी बात आपको आराम समझ में आ गई होगी, y का वैल्यू 1/4 और y का वैल्यू 1 है। अब जब y का वैल्यू 1 है तो आप देखिए तब या तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू एक तो y का वैल्यू 1 रखा जाए तब x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, समझ में आ गया होगा आपको आराम से। y का वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया, और या फिर x का जो वैल्यू आएगा वो 4 गुणा 1 बटे 4 और माइनस 2 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, 4 से कट गया 1 माइनस 2 तो बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 1, यानी बिंदु 1 तो हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 2,1। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो 2,1 यानी 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर लगभग यहाँ पर अपन पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले चलूँ ताकि डायग्राम क्लियर बन जाए। और फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारे पास माइनस वन और प्लस 1/4, तो माइनस वन इसके आसपास आएगा, 1/4 इसके आसपास रहेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से रेखा आएगी, ऐसे जाएगी रेखा। ओके, ये पॉइंट हमारे पास हो गया माइनस 1,1/4 और ये पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 2,+1। ओके, हमें इन दोनों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो जो आपको मैंने यहाँ पर छाएंगे फिर दिखाया वो भाग हमें ज्ञात करना है। मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, जरा देखें आप यहाँ पर, तो ये शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट बना है वो माइनस 1,0 स्टूडेंट्स, और यहाँ से लंब डालता हूँ तो ये जो पॉइंट बना स्टूडेंट्स वो है 2,0। इनका नामकरण हो जाए तो इसको ओ तो दे रखा है, ये ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसको मैंने डी नाम दे दिया है। तो छाएंगे तो भाग तो रह गया हमारे पास में ओ, फिर बी, सी और ओ। हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस रेखा के अंदर माइनस वन से प्लस टू तक की लिमिट रखेंगे, रेखा में रखेंगे, रेखा में रखेंगे, तो इस रेखा के जितना नीचे कवर एरिया भाग है वो माइनस एक से लेकर, यानी ये पूरा भाग आ जाएगा रेखा में जब माइनस एक से प्लस दो तक की लिमिट रखेंगे तब। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस परवलय के अंदर माइनस एक से प्लस दो की लिमिट रखेंगे, तो जो ब्लैंक पार्ट पड़े इसके अंदर ये दोनों ज्ञात हो जाएंगे, हम उस रेखा वाले में से ब्लैंक पार्ट्स माइनस कर देंगे तो चाहेंगे तो भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, और यहाँ लिखना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो पहले नाम लिखेंगे कि अपेक्षित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ, यहाँ पर नाम दे रखा हमने ओ बी और सी, अपेक्षित भाग का क्षेत्रफल, ये भाषा ये लाइन हमें सब सवालों में लिखनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपेक्षित भाग का क्षेत्रफल। और इसमें आगे हम लिख देंगे एरिया कौन सा चाहिए अपने को, तो हाँ हमें चाहिए एरिया ऑफ आर्क ऑफ बिंदु में ओ बी सी और ओ चाहिए, जो कैसे आएगा वो एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी और ओ में से हम जब एरिया माइनस करेंगे, कौन सा या माइनस लगा दिया मैंने, आप माइनस करेंगे यहाँ पर इसको नाम दे दूँ मैं ए ओ ए और बी और फिर वापस ओ फिर सी और फिर डी। ओके, ऐसे मैंने इसको नाम दिया, देख लो ओ ए बी वापस ओ फिर सी और डी, ये भाग हम घटा देंगे। इसको हम इंटीग्रल में लिखेंगे, वो फॉर्मेशन ऐसा रहेगा, इंटीग्रल माइनस वन से टू एक साथ लिमिट रहेगी, और वहाँ पर वाई आएगा, वाई किसके लिए आएगा, वक्र के लिए आएगा, सॉरी पहले रेखा के लिए आएगा, पहले रेखा के लिए वाई आएगा और इंटू डी एक्स आएगा, और माइनस फिर रहेगा हमारे पास में वाई किसके लिए, वक्र के लिए रहेगा, और इंटू डी एक्स आ गया, और ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों फलनों का, और यहाँ पर ये वक्र हमने रखा है, ये dx इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ यहाँ
अपन लगा देंगे ये वाई रेखा के लिए, और यहाँ पर डी एक्स बाहर भी हम लगा सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं इसको, यहाँ भी डी एक्स लगा सकते हैं। ये दोनों वक्र को रखा हमने इंटू डी एक्स, एक साथ इसका इंटीग्रल हो गया, एक साथ लिमिट हो गया। स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल और भी आगे दो तीन एग्जाम्पल बहुत ही शानदार पढ़े, एग्जाम में आने लायक पढ़े, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ढंग से मेहनत करें, पढ़ें और अच्छी तरह ध्यान देकर लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति को धैर्य के साथ और बहुत मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।